हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम ड्राइंग में आउल बनाने वाले हैं। आउल मतलब उल्लू भी उसको बोलते हैं और गुअर भी बोलते हैं। तो वो किस तरह से ड्राइंग करना है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आउल ड्रॉ करने के लिए हमें स्टैंडिंग में ये ड्राइंग करना है। पहले बड़े से दो सर्कल बनाने हैं। सर्कल इस तरह से एक सर्कल बनाया, अभी उसके बाजू में ही हम दूसरा सर्कल बनाएंगे और नीचे ट्रायंगल शेप में उसकी जो चांच होती है एकदम ट्रायंगल इस तरह से बना देंगे और आईज में दो और छोटे सर्कल बना देंगे। और ट्राइंगल यहाँ से थोड़ा ट्राइंगल हमें इस तरह से छोड़ देना है, फिर यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल इस तरह से करके फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। और नीचे उसका आउल का बॉडी बनाने के लिए दो लाइन बना देनी है, कर्व्स वाली लाइन बना देंगे। ये जो लाइन बनाई उसकी ऑपोजिट लाइन बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पे बनाएंगे दो पैर। तो पैर किस तरह से बनाने हैं वो भी सिंपल ट्रायंगल में ही करना है। तो पहले हमने ट्रायंगल बनाया, फिर जिगजैग लाइन जैसे हम W लिखते हैं बस इस तरह से करना है। दूसरा पैर बिल्कुल वैसे ही रिपीट कर देना है, ट्रायंगल बनाना है और ऐसे जिगजैग लाइन कर देंगे और उसके पंख बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है उसके लेवल में इस तरह से और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही रिपीट करेंगे और तो ये हमारा आउल का ड्राइंग बन गया। और यहाँ पे हम ये जो आउल ट्री के ऊपर बैठा है इस तरह की इमेज देंगे, तो यहाँ पे ट्री की जो ब्रांच होती है इस तरह से बस इतना ही लाइन करना है। तो ये ड्राइंग हो गया। अभी इसमें हम कलर करेंगे। तो उल्लू जो रात को ज़्यादा दिखाई देता है, दिन में ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देता है। तो आप बैकग्राउंड में चाहो तो डार्क ब्लू ब्लैक कलर कर सकते हो पूरे में। ये पूरे बैकग्राउंड में हमें डार्क ब्लू कलर या फिर थोड़ा सा ब्लैक में शेडिंग करना चाहो तो, लेकिन आप ओनली ब्लू कलर करना चाहो तो कर सकते हो, पर्पल भी कलर कर सकते हो। तो ये नाइट की इमेज लगेगी। और आईज में हमें वाइट ही रखना है। वाइट कलर पेज में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप चाहो तो वाइट कलर जो है वो फिलअप करोगे तो थोड़ा सा ऑफ वाइट जैसा फील होगा। तो इस तरह से दोनों आइस में आपको ऑफ वाइट कलर कर देना है। और कलर कौन सा होता है आउल का? ब्राउन कलर। तो हम ब्राउन कलर करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन जैसा करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑकर येलो कलर ले गई हूँ और उसमें ऑकर येलो कलर हम यहाँ पे पूरे बॉडी में इस तरह से डार्क ब्राउन कलर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर होगा तो ब्राउन थोड़ा सा दोनों कलर डार्क हो गए तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऑकर येलो कलर लिया मैं। और फिर बाद में जो ब्राउन कलर है उससे हम इस तरह से हम सी लिखते हैं ना, बस इस तरह की हमको डिज़ाइन कर देनी है। तो उसके जो पंख की इमेज होती है इस तरह से आपको लगेगा और ड्राइंग भी एकदम अच्छा लगेगा। इस तरह से आपको सी लिखना है। अगर आपको इस तरह से लिखना नहीं पाता तो आप ड्राइंग जो बुक है वो आपकी साइड में ऐसे करके फिर सी ऐसे लिखते जाना है, तो ये आपके लिए आसान रहेगा करने में। इसी तरह से हम ये जो उसके पंख है पंख में भी कलर कर देंगे, दोनों में यही कलर करना है। और यहाँ पे हम लाइन करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, इस तरह से लाइन बनानी है। इस तरह से हमें ये ड्राइंग में कलर करना है। चांच में अगर आप चाहो तो रेड पिंक कोई भी कलर कर सकते हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने रेड कलर किया क्योंकि ड्राइंग में आप चाहो तो
मल्टी कलर में भी ड्राइंग में कलर कर सकते हो, क्योंकि हमारा ड्राइंग अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। और यहाँ पे ब्रांच में आपको ब्राउन कलर या फिर डार्क कॉफी कलर आपके पास है तो वो कर देना है। यहाँ पे नीचे भी आप ग्रीन ट्री मतलब लीव्स की इमेज देना चाहो तो लीव्स बना सकते हो छोटे छोटे ग्रीन कलर से। इसी तरह का आपको ये पूरा ड्राइंग आउल का कंप्लीट करना है। थैंक यू।